श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद सीनियर मैनेजर श्री सनत कुमार जैन मलैया। हरिहंता नमो सिद्धान नमो आयरियान नमो वज्जायान नमो लोये सवशाहु पंच परमेष्टी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। जगत पूज मुन पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की जय। 10 लक्षण धर्म के इस महापर्वराज 10 लक्षण धर्म के प्रथम दिवस से पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में जिज्ञासा समाधान के आज 29वां श्रावक संस्कार शिविर जो पूज्य गुरुदेव के पावन चरण सन्निधि में यहाँ पर आयोजित है, हम सब बड़े मनोयोग से पूरी ललितपुर जैन समाज सभी शिविरार्थियों का हृदय से हार्दिक वंदन अभिनंदन करती है। जिस प्रकार पूज गुरुदेव के सभी कार्य ऐतिहासिक होते हैं, आपका ये शिविर भी ऐतिहासिक होगा। आज के जिज्ञासा समाधान में सबसे प्रथम अध्यक्ष जी आपको धोती दुपट्टा पहनना पड़ेगा माई पे खड़े होने के लिए जी। आज माफ हो पहला दिन जी, कल से धोती दुपट्टा पहन जी महाराज जी, आदेश स्वीकार है। पहली जिज्ञासा हमारे शिविर निर्देशक सम्माननीय श्री दिनेश जी गंगवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और सर्वप्रथम आज की इस 29वां जो श्रावक संस्कार शिविर है उसकी जिज्ञासा रखेंगे। पहली आदरणीय गंगवाल जी, महाराज श्री के चरणों में विराजित सभी शिवरार्थियों की तरफ से कोटिश है नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओनली जिज्ञासा करना है महाराज जी, आज ध्यान में आपने अपूर्व चिकित्सा प्रणाली को जन्म दिया। आज आपने न केवल ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आपने चंद्र शक्ति का उपयोग बताया, बल्कि पूरक के माध्यम से सांस लेके कुंभक में रोक कर उसको किसी भी रोग की जगह ले जाकर प्राण वायु को उस जगह से शरीर के निदान की रोग निदान की व्यवस्था भी दी। महाराज जी इन लोगों ने तो सुन लिया, भारत भर में बैठे हुए लोगों के लिए मेरी प्रार्थना है कि ऐसा अनुपम जो आपने आज ध्यान के अंदर जो दिया वो कृपा कर संक्षेप में सबको देने की कृपा करें। ध्यान की जो अलौकिक शक्ति होती है उसे थ्योरी में नहीं बांधा जा सकता। प्रातःकाल का जो समय होता है ध्यान का, ये जो चिकित्साएँ जो पद्धतियाँ हैं हमारे भारतवर्ष से अनादिकाल से थी। साधु संतों के पास ही पहले चिकित्सा होती थी और साधु संत उस साधना के बल पर कुछ देते नहीं थे, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर बीमारी है तो हर व्यक्ति के अंदर औषधि भी है। जब कुदरत ने बीमारी दी है तो उसको ठीक करने की औषधि भी दी है। एक श्वासोश्वास जिसे प्राणायाम कहते हैं, ये श्वासोश्वास इतना बड़ा ज्योतिष है, इन श्वासों में सारा ज्योतिष निकला हुआ है। अपने दोनों नथनों से जो हवा निकलती है इन हवाओं में पूरी जिंदगी लिखी हुई रहती है। यदि प्रातःकाल हमारे सूर्य उदय होते ही बाएं नथने से श्वास निकलती है, संध्या काल में सोते समय दाएं नथने से श्वास निकलती है, निश्चित समझना इस व्यक्ति का मरण, इस व्यक्ति की बीमारी दूर से भागेगी, इसके निकट भी नहीं आएगी।
ये ज्योतिष जो है, सारे दुनिया के ज्योतिष खत्म हो जाएंगे, लेकिन अपने नाथों से निकलने वाली जो श्वास है, वो श्वास हमें संदेश देती है। और हमारी नाथों से जो श्वास निकलती है, अग्नि रूप, जल रूप, वायु रूप, पृथ्वी रूप निकलती है। जब श्वास हमारी नाक से निकल करके 12 अंगुल तक जाती है, तब पृथ्वी तत्व चलता है। और पृथ्वी तत्व जिस समय चलता हो, उस समय तुम जिस कार्य को करोगे, वो पृथ्वी के समान अटल होता है। प्राण वायु जब ली जाती है साधना के बल पर, उस समय उसको निर्देशित किया जाता है, संस्कारित किया जाता है कि उन औषधियों में कितनी औषधि है। कई साधु सूर्य सुन को 72 घंटे चलाते हैं, लेकिन यदि उनकी क्षमता नहीं हो तो वो पागल भी हो जाते हैं। चंद्रस्वर चलता है तो समय हमारे यहाँ जिस समय व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, उस समय यदि वो 6 के लिए चंद्रस्वर चला ले तो 24 तक उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो ही नहीं सकती। जिस समय लो हुआ हो, उस समय सूर्य चुन यानी दाया, जिसे सूर्य स्वर कहते हैं, पिंगला जिसे कहते हैं, यदि यह सूर्य स्वर से हमारी वायु निकलना शुरू हो जाए, समझ लेना कैसा भी व्यक्ति का लो ब्लड प्रेशर हो, 10 के अंदर उसका ब्लड प्रेशर अपने कंट्रोल में हो जाएगा। तो हमारी कुदरत ने हमारे शरीर में जो कुछ भी दिया है, दवाई भी दी है। बीमारी आती है लेकिन उसकी औषधि का निशान है। आज प्रातःकाल उसका थोड़ा संक्षेप किया था। इन सब के लिए बहुत बड़ी साधना चाहिए। हमने जब बताया 15 का ध्यान, जब तुम सब 3000 लोगों ने अपने घर का मोह माया जाल छोड़ा, तब बताया। और तुम यह औषधि उनको बतवाना चाहते हो जिन्होंने अभी मोह माया जाल नहीं छोड़ा, तो हमारी औषधि कहीं साइड इफेक्टेड ना हो जाए। इसलिए औषधि के साथ पथ भी जरूरी है। अगली जिज्ञासा के लिए श्री गंभीर सागर ग्रुप से 92, श्री धैर्य सागर जी ग्रुप से 59, नव्यांश जैन मारवाड़, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तत्काल। माइक इधर दे दें मंच पे फटाफट। और इसके बाद श्री पूज्य सागर जी ग्रुप से 663 और 307, अंकुर जी पाली, अपने अपने स्थान पर ये 4 नाम जो मैंने बोले हैं खड़े हो जाएं और माइक वहां तक पहुंचा दें। जिनके नाम हैं वो आगे आ जाएं। बेटा माइक चालू कर दो। नमोस्तु महर्षि। महर्षि मेरा प्रश्न ये है कि आत्मा को परिभाषित कैसे किया जा सकता है? आत्मा स्वयं मैं हूं ना, जो हमें सुख दुख का वेदन हो रहा है। अहम वेद में मैं की अनुभूति, जैसे आंख देखती है लेकिन क्या कहते हैं अपन, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तुम कहाँ सुन रहे हो, कान सुन रहा है, लेकिन जो मैं की जो अनुभूति हो रही है वही आत्म तत्व है। आत्मा इस शरीर के अंदर ऐसे ही विद्वान है जैसे तिल मध्य यथा तैलम, दुग्ध मध्य यथा घृतम, पाषाणेशु यथा हेम, देह मध्य यथा शुमम। जैसे दूध में घी दिखता नहीं है, कितना भी प्रयास करो दिखता नहीं है, लेकिन घी जब भी निकलता है दूध से ही निकलता है। इसी प्रकार इस शरीर में हमारा आत्मा बैठा हुआ है, वो आत्मा दिखेगा नहीं, लेकिन साधना और तपस्या के बल पर वो आत्मा इसी शरीर में स्थापित होकर देखने में आ जाता है। जैसे दूध में घी कभी दिखा नहीं, लेकिन घी दूध में से ही निकलता है। इसी प्रकार शरीर में आत्मा दिखी नहीं, लेकिन यह शरीर में ही आत्मा विद्वान रहती है, जो एक साधक और साधना के बल पर देखा जा सकता है। जिज्ञासा करेंगे 307 अंकुर जी पाली, इसके बाद तैयार रहेंगे 663 पूज्य सागर जी गुरु। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में तमाम नमस्ते। हे गुरुवर, तत्वा सूत्र में जो ध्यान के बारे में आया है, उत्तम सैनन एकाग्र चिंता निरोध ध्यान मंत्र मुहूर्तार्थ, तो उसमें उत्तम सैनन वालों के लिए ध्यान बताया है क्या? चूंकि यहाँ मोक्ष है, क्योंकि पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने मोक्ष का संकल्प किया है कि मैं तुम्हें मोक्ष दिखाऊंगा और मोक्ष मार्ग बताऊंगा, तो मोक्ष जाने वाला जो ध्यान होता है वो उत्तम संगनन वालों को ही ध्यान होता है।
उत्तम संघन वाले ही ध्यान कर सकते हैं, इसलिए तत्वार सूत मोक्ष के लिए कथन कर रहा है, इसलिए वहाँ पर उस ध्यान की चर्चा की जिसे शुक्ल ध्यान भी कहते हैं। अगली जिज्ञासा रखेंगे। हर्ष जैन मुंबई से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरी ये जिज्ञासा थी, क्या इस काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है क्या, और किस पद में? आगम काल के अनुसार कोई निर्णय नहीं किया गया। आगम में ये लिखा गया है कि तीर्थंकर और केवली के पाद मूल में होता है, तो केवली शुद्ध केवली पंचम काल में हुए हैं, उनके सानिध्य में कोई कर लिया हो तो आगम निषेध नहीं करता। आगम में तीर्थंकर प्रकृति के लिए काल की कोई पाबंदी नहीं लिखी गई। मात्र दो ही कथन मिलते हैं, 16 कारण भावनाओं के अनुसार हो सकता है अथवा केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में होता है, लेकिन दोनों कथनों के अनुसार आज केवली और शुद्ध केवली का पाद मूल तो है ही नहीं, इसलिए। और आगम में ऐसा कोई कथन नहीं आया कि पंचम काल में किसी जीव ने कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया हो, ऐसा कोई उदाहरण देखने में नहीं आता। अगली जिज्ञासा करेंगे। 433 नंबर, श्री सुधा सागर जी ग्रुप, सुनील जी सागर, और इसके आगे तैयार रहेंगे। 321 नंबर, श्री नीरज जी बबीना, खड़े हो जाएं। नीरज जी बबीना, एक माइक आपके पास पहुंच जाए। महाराज जी नमस्तु, नमस्तु। आज क्षमा धर्म का दिन है, और जैसे पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद गौरी को क्षमा किया, मोहम्मद गौरी को 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा किया, इसके बाद उसने आके जो हस्र किया यहाँ पे और जितनी हिंसा की, इसके लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार होता है व्यक्ति की अनीति। युद्ध होते हैं, युद्ध के जिम्मेदार पांडव नहीं है, युद्ध के जिम्मेदार दुर्योधन की दुर्नीति है। युद्ध के लिए श्री राम जिम्मेदार नहीं है, रावण का दुराचार जिम्मेदार है। तो जो अन्यायी पक्ष होता है वह पक्ष होता है किसी भी दुर्घटना का जिम्मेदार। हे गुरु जी, नमोस्तु, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्री नीरज जी बबीना, इसके बाद तैयार रहे श्री 397 नंबर, श्री सुधा सागर जी गुरु, श्री नीरज जी कठरिया। हे गुरुवर, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुवर, गुरुवर पुरुषार्थ और धर्म में क्या अंतर है और किसको श्रेष्ठ माना जाए? गुरुवर, पुरुषार्थ के धर्म एक भेद है, चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ और काम। तो पुरुषार्थ जब सांसारिक रूप में आता है तो अर्थ और काम पुरुषार्थ करता है, जब कोई मोक्ष मार्ग पर जाता है तो धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष के द्वारा किया हुआ जो करने योग्य कार्य है उसको करने का नाम पुरुषार्थ है, तो धर्म भी एक पुरुषार्थ है ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करेंगे श्री नीरज जी कठरिया, इसके बाद तैयार रहें श्री विकास जी गुना। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। 152 नंबर और 123 नंबर सौरभ जी, खड़े हो जाएं। मेरी जिज्ञासा है कि जैसे आपने सुबह बताया था कि क्षमा का भाव रखना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर कोई व्यक्ति जैसे गलत आक्षेप लगाता है, गलत भाव से मतलब वो कर रहा है, गलत आरोप लगा रहा है, उस स्थिति में सार्वजनिक स्थान पर सब लोग देखते हैं, आप भाव आता है कि आप गलत तो नहीं है ना? नहीं, हम गलत नहीं है, लेकिन गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उस स्थिति में क्षमा का भाव आता है। प्रश्न छोटा करो, आप गलत नहीं है तो आपको आरोप लगा ही नहीं है, और आप गलत हैं तो आपको आरोप को स्वीकार करना चाहिए। धर्म नीति यही कहती है, सारे संसार में ना जाने किन किन लोगों पर गलत आरोप लगे, उन आरोप से तो वो नहीं डरे, उन आरोपों को उन्होंने तो चिंता नहीं करी। जो सत्यवान होता है वो आरोप की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसने ऐसा किया ही नहीं है, और जो झूठा होता है उसको डरा चोर की दाढ़ी में तिनका। जिज्ञासा करेंगे श्री विकास जी गुना, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सौरभ जी, 123 नंबर, श्री सुधा सागर जी गुरु। गुरुवर नमस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न भक्तांबर जी के 20वें काव्य से है, इसमें नैवम टू के नैवम शब्द के आगे दो लिखा हुआ है, और उसमें लिखा है कच्चे द्वेष न तथा विकास कत्वम, का क्या अर्थ होगा?
क्या लिखा पेज नंबर नहीं पेज नंबर नहीं भक्तांबर के काव्य नंबर 20 में नैवम शब्द दिया है नैवम में नीचे लिखा है करचो तो वेसु न तथाई आपसे आपसे पढ़ते ही नहीं बन रहा है तो आप क्या पूछ रहे उच्चारण शुद्ध करिए दूसरा नाम लिखिए काचोद्वेषु न तथा आप संख्या बोल दीजिए मैं देख लूंगा जी 358 पेज पे ठीक सौरभ जी नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु इसके बाद तैयार रहेंगे अभी गोयल पथरिया और अभिमान में अंतर कैसे समझा जा रहा है स्वाभिमान और अभिमान स्वाभिमान विनयशील होता है स्वाभिमान गलती नहीं होने पर भी गलती स्वीकार करता है स्वाभिमान अपनी स्वयं को प्रस्तुत करने पर यदि शांति होती है तो स्वयं को प्रस्तुत करता है स्वाभिमान अकड़ू नहीं होता है अभिमानी अकड़ू होता है स्वाभिमान हमेशा सबको साथ लेके चलता है विनयशील होता है अपराध नहीं होने पर भी वह अपने आप को अपराध स्वीकार करके और शांति की स्थापना करता है ऐसा अभी अभी गोयल पथरिया और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री दीपक जी बांदकपुर गुरुदेव के चरणों में मेरा तैबा नमोस्तु 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 हे गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके हाँ बोले हे गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजनों को आत्मशांति के लिए मंदिर की आवश्यकता होती है लेकिन परिस्थिति अनुसार 13 दिन के लिए उनको मंदिर नहीं जाना पड़ता ऐसा क्यों वो उसके लिए दंड व्यवस्था है अपराध होने पर कोई दंड की व्यवस्था है तो दंड में बट परंतु तो नहीं लगता क्योंकि वह है उसने क्योंकि मंदिर जो है मोक्ष मार्गी है मंदिर में मोक्ष के लिए और तुमने संसार बढ़ने का समर्थन किया है संसार बढ़ने पर तुमने खुशी मनाई है संसार बढ़ने पर आपने उसकी अनुमोदना की है इसलिए मंदिरों से आपको बहिष्कृत किया जाता है एक प्राश्चित और एक दंड व्यवस्था है दीपक जी बांदकपुर अभी जो प्रश्न कर रहे थे नैवम तुकाच सकले किरणा कुलेपि तेजो स्फुरन मणि सुयात यथा महत्तम पाठांतर दिया है काचोद भवेदु कांच से बनी हुई वस्तु यहाँ ये कहा गया है जो असली रत्न होता है उसमें जो चमक होती है इसी प्रकार कांच से बनी हुई कोई वस्तु में वो चमक नहीं होती है ये उसका अर्थ है जिज्ञासा करेंगे हेलो कुंडलपुर के प्रवेश द्वार बांधकपुर चरदम मध्य प्रदेश के समस्त श्रावकों की ओर से मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 अगली जिज्ञासा मुनि श्री अमरचंद जी दमोह और तैयार रहेंगे नीरज जी बांधकपुर मुनि श्री वैभव की दृष्टि से इंद्र इंद्राणी श्रेष्ठ होते हैं परंतु संयम की दृष्टि से श्रावक श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि जितने भी जीव मोक्ष गए उनने संयम धारण किया परंतु जब पंचकल्याणक विधान आदि होते हैं तो इंद्र इंद्राणी के रूप में ही भगवान की भक्ति क्यों जाती है भक्ति का स्थान अलग अलग होता है पंच कल्याणक में धर्म और साधुओं की औपचारिकता नहीं होती वहाँ इंद्र के द्वारा ही नियुक्त किए गए यहाँ छोटे और बड़े का महत्व नहीं होता यहाँ उसके नियोगी क्रिया का महत्व होता है अधिकार का महत्व होता है कौन छोटा है कौन बड़ा है इससे कोई लेना देना नहीं है राष्ट्रपति बड़ा होता है लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कार्य करना पड़ता है तो अब ये कहें कि राष्ट्रपति तो बड़ा है तो बड़ा है वो बड़ेपन पर स्थान है लेकिन जो अधिकार प्रधानमंत्री को हैं वो प्रधानमंत्री ही करेगा भले संयम की अपेक्षा मनुष्य बड़ा है लेकिन उस नियोगी क्रिया करने में समर्थ क्योंकि भक्ति प्रभावना से की जाती है भक्ति का जो रूप होता है वो अपने आप में बड़ा चढ़ा करके आगे प्रभावित किया जाता है वो संयमी नहीं कर सकता एक संयमी व्यक्ति किसी भी क्रिया करेगा तो उतनी ही सीमित कर सकता है लेकिन असंयमी वैभवशाली उसी क्रिया को इतना बड़ा चढ़ा के कर सकता है कि वह वैभव प्रभावना का कारण बनता है इसलिए देव ही उसके अधिकारी हैं ये उनका क्राइटेरिया है जिज्ञासा करेंगे श्री अमरचंद जी दमोह और इसके बाद तैयार रहेंगे अजय जी दमोह अमरचंद जी दमोह अजय जी दमोह नीरज जी बांदकपुर तीन में से कोई भी एक माइक दे दें एक बार बोले उसके द्वारा नाम न बोले मुनि श्री पुंगा सागर सदा सागर महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु
महाराज जी एक कारण हमें सोच पूछा है आपसे कि यहाँ से सीधे मोक्ष जा सकते हैं, और जा सकते तो कैसे? यहाँ से जी नहीं, यहाँ से अभी पंचम काल में कोई मोक्ष जाने की गाड़ी नहीं है। यहाँ से आप बीच में विदेह क्षेत्र की गाड़ी पकड़िए, वहाँ से फिर जा सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। ओम शांति। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जो मानव मतलब अभी जो व्यक्ति मानव में तीर्थंकर प्रवृत्ति का अगर बंद कर लेता है तो वो नियम से स्वर्ग या नरक में ही जाता है, उसको त्रेंच या मानव गति में नहीं जा सकते हैं, ऐसा क्यों? उसका मूल कारण है, अभी दो दिन पहले भी बताया था कि तीर्थंकर प्रकृति के बंद के बाद व्यक्ति अधिकतम 3 भव तक इस संसार में रह सकता है, और त्रियंश और मनुष्य में यदि वो जाएगा तो उसके 4 भव हो जाएंगे, तो उसकी सीमा का उल्लंघन होता है, इससे नरक और देवगति से ही तीर्थंकर आते हैं या जाते हैं, अन्य गतियों में नहीं। नीरज बांदकपुर। अजय जी दमोह। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो? अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ना, वो ही अच्छी तरह पढ़ लो तो हो जाएगा। नीरज बांदकपुर, इसके बाद तैयार हैं ताराचंद जी दमोह। देखिए जो नाम मैं बोल रहा हूं कृपया खड़े हो जाएं, शीघ्रता से माइक ले लें। श्री विजय जी धुर्रा जी, आप जिज्ञासा करें। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पिंगल सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में 29वें श्रावक संस्कार में देश भर के कोने कोने से पधारे सभी समस्त शिविरार्थियों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, कार्यकर्ता साथियों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आज उत्तम क्षमा धर्म के प्रातः काल के प्रवचन के दौरान आपने कहा कि मानववादी पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हैं और मानववादी अहिंसा धर्म का ख्याल नहीं रखते। हम मानवतावादी हैं तो मानवतावादियों को मानव धर्म के ऊपर विजय पाने के लिए सार्वजनिक रूप से क्या करना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार किस तरह से करें कि मानवतावादी सिद्धांत दुनिया में लागू हो, दुनिया को यह मैसेज इस मंच से। जो व्यक्ति दृष्टिकोण होता है वो मानव को सुखी को बनाने के लिए किसी भी चीज तक हद तक पहुंच सकता है, वो प्रकृति का भी नाश कर सकता है मानव को सुख देने के लिए। और मानवतावादी वो होता है जो स्वयं दुखी हो जाए तो हो जाए, लेकिन दूसरे की जिंदगी का विनाश नहीं करेगा। महावीर मानवतावादी थे, उन्होंने एक ही बात कही कि तुम जियो लेकिन इस तरीके से जियो कि दूसरे को भी जीने का मौका दो। तो इस प्रकार के जो मानवता, इसका संदेश व्यक्ति जब भी हो सकता है जब व्यक्ति स्वयं इस अनुभव से गुजरे। जब तक वो स्वयं संवेदनशील नहीं होगा तो मानवतावादी दृष्टिकोण उसका बन ही नहीं सकता। जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है तो वो मानववादी हो जाता है, और जब व्यक्ति अपना स्वार्थ छोड़ देता है तो मानवतावादी हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा करेंगे श्री अनिल जी चौधरी पृथ्वीपुर। मुनिवर नमोस्तु। विदिशा से सुरन जैन। मेरी माता जी 12 अगस्त को हेमा दीदी ने संदेखना की थी, जिज्ञासा कीजिए। उनका पूछ रहा हूँ वो कौन सी योनि में गए। ओम शांति। इधर दे दे माइक अनिल जी चौधरी पृथ्वीपुर। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान मनोज जैन चंदेरी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणम शब्द या नमो अरहंताणम अरहंत सबसे अरिहंत? हाँ, समझ गया क्या? समझ गया ना एक बार। हाँ, अरिहंताणम सम ईसा शताब्दी 100 वर्ष पूरे, आज से 2000 वर्ष पहले सबसे पहले गुजरात में जूनागढ़ में स्थित धर्सेन स्वामी द्वारा उपदेशित भूत बड़ी पुष्पदन भगवान ने अपने जो ग्रंथ का मंगलाचरण किया उसमें अरिहंताणम शब्द का प्रयोग किया, इसलिए अरिहंताणम शब्द
प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है। अरहंतानम और अरुहंतानम बाद में जोड़े गए, हालांकि कुंद कुंद भगवान ने अपने ग्रंथों में अरहंतानम शब्द का प्रयोग किया, लेकिन अरिहंतानम शब्द कुंद कुंद स्वामी के पहले भी प्रयोग हो चुका था। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, महाराज श्री जैसा जिन शासन में भी प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है, प्राकृत भाषा का, और ब्रह्मकार मंत्र भी प्राकृत भाषा में ही है, किंतु ऐसा क्या कारण रहा होगा कि अभी वर्तमान में प्राकृत भाषा बहुत कम इस्तेमाल होती है? भाषाएं क्या होता है, समय समय पर क्षेत्र पर बदलती रहती है। आज अपने बीच में हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की उम्र कितनी, 400 साल हो, 16वीं शताब्दी के पहले कोई हिंदी नहीं थी, 16वीं शताब्दी के पहले कोई हिंदी में कोई ग्रंथों की रचना नहीं हुई, और 16वीं शताब्दी के बाद हिंदी का आविष्कार हुआ। तो ये समय समय पर भाषाएं बदलती रहती हैं, हर समय एक कोई नई भाषा का प्रयोग होता है, नए शब्दों का प्रयोग होता है, और जब कोई भाषा थोड़ी क्लिष्ट पड़ जाती है, वह भाषा बोल चाल से हटा दी जाती है। जो भाषाएं टूटी फूटी होती है, वो भाषाएं बोल चाल की भाषा बन जाती हैं। तो समय समय पर भाषाओं का परिवर्तन होता रहता है। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरा एक मिनट, हाँ, आपका नाम? मनोज जैन चंदेरी। मनोज जैन चंदेरी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अरविंद जी जैन, 60 नंबर विद्यासागर गुरु। गुरुदेव, मेरी पंक्तियों में दो बात अलग अलग की है। जन्म जन्म प्रभु पाऊं तो ऐसे वाफल दीजे मोहे, और दूसरी पंक्ति में गुरुदेव कृपा तुम्हारी ऐसी होवे जावन मरण मिटाओ मोहे। दोनों बातें अलग अलग हैं गुरुदेव। दोनों बातें एक ही हैं। मैं जन्म जन्म तक तुझे इसलिए पाना चाहता हूँ क्योंकि आपके पाने से ही मेरे जन्म जरा मृत्यु का विनाश होगा। एक पंक्ति में कारण है, एक में कार्य है। जैसे आप पूजा करने जाते हैं तो भगवान की पूजा करते करते क्या मांगते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाश नए जलम निरूपांति। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा को इसलिए चाह रहा है कि वो परमात्मा हमारे कारण हैं जन्म जरा विनाश करने के, वो निमित्त हैं, उनका दर्शन उनका पूजन उनका प्रवचन हमारे इसके लिए कारण बनता है। इससे दोनों पंक्तियों में एक में कारण को स्वीकार किया, एक में कार्य को स्वीकार किया। महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? प्रतिक्रमण शब्द का अर्थ है प्रति, लौट करके आओ उसी क्रम में जहाँ थे। प्रति आने लौटना, क्रम आने किस क्रम में, जिस क्रम में आप पहले थे, यानी जो आप अपराध करने के पहले जो आप निरपराधी थे, उस निरपराध दशा में लौटने का नाम प्रतिक्रमण है। प्रति का अर्थ है उल्टा, पीछे आओ, रिवर्स। कहाँ आए, जहाँ तुम अपराध करने के पहले थे, यानी जैसे अपराध के पहले आप शुद्ध थे वैसे ही शुद्ध हो जाइए। ये प्रतिक्रमण का शाब्दिक अर्थ होता है। जिज्ञासा करेंगे अरविंद जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री आचार्य ज्ञान सागर जी ग्रुप में, 340 नंबर 411 नंबर और 447 नंबर। मैं मर जाए मैं विराजमान गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, निर्माण कांड में चरम के विली चरम शरीर नाम से आया है, तो उसमें चरम का क्या आशय है? चरम के चरम का अर्थ होता अंतिम, लास्ट जी। चरम के विली यानी अंतिम के विली, चरम शरीर यानी उसी भाव में मोक्ष गए, इसका नाम है चरम। जिज्ञासा करें। हे गुरुदेव, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं 2019 में बिजोलिया के शिविर से घर लौटा और 31 साल से लगातार अनवरत भगवान की पूजा अभिषेक करते थे, उसकी तैयारी कर रहे थे मंदिर जी में, तो मुझे करंट लग गया। जब करंट लगा तो मैं चिपक गया उससे, मुझे बिल्कुल आँख में दिखना बंद, बोलना बंद हो गया। उस वेदी में मेरे अलावा कोई नहीं था, मुझे बचाने के लिए सेवक आए, उन्होंने तार खींचा, मेरा करंट दूर होकर मैं बच गया। तो इसको गुरु जी, मेरा ये निवेदन है कि इसमें क्या आपके शिविर का प्रभाव था कि मेरे आयु का कर्म का बंद हो गया था कि मुझे बचना था? निमित्त निमित्तिक संबंध जो जीवन में मिलते हैं, तो इनका क्या प्रभाव पड़ता है? नमोस्तु गुरु। देखें, हम धर्म करते हैं तो चिल्ला के करते हैं, हम धर्म करते हैं तो दुनिया को दिखा के करते हैं,
लेकिन धर्म तुम्हारा सहयोग करता है, वो किसी को खबर भी नहीं देता कब तुम्हारा सहयोग करेगा। धर्म जिंदगी के किस मोड़ पर, अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा जो ये कहते हैं मैं धर्म कर्म को कुछ नहीं मानता, लेकिन जिंदगी में कभी एक ऐसा मोड़ आता है जहां व्यक्ति के अंदर की आवाज पुकारती है कि दुनिया में कोई महाशक्ति है तो आज मेरी सहायता करे। तो धर्म जब भी है अपना किसी ना किसी, धर्म कभी किसी से कहता नहीं, धर्म जब किसी का सहयोग करता है तो कोई दूसरे बहाने से करता है, वो नहीं चाहता है कि मैं जिसका सहयोग कर रहा हूँ वह मेरा नाम ले या मेरा एहसान माने। इसलिए नियम है कि कोई ना कोई धर्म जरूर उसके बीच में आया है जिसने इतनी बड़ी दुर्घटना से तुम्हें आज पुनः शिविर में बुला लिया है। जय जिज्ञासा करें 411 नंबर, इसके बाद तैयार रहेंगे 447, 421 आचार्य ज्ञान सागर जी गुरु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मेरी संख्या सामायिक में मन न लगने के कारण किसी मुनि महाराज का या संस्था से निकले हुए विद्वान का पानी प्रवचन सुन सकते हैं। सामायिक सामायिक होती है, प्रवचन अलग चीज है, वो स्वाध्याय है। आप प्रवचन का चिंतन सामायिक में कर सकते हैं लेकिन श्रवण सामायिक में नहीं होगा, सामायिक अलग माना जाता है। फिर भी यदि आपका मन नहीं लग रहा है तो ठीक है, कहीं बाहर विकल्प जाने की अपेक्षा यदि आप सुनते हैं तो कोई बात नहीं। 447 नंबर, इसके बाद तैयार रहें 421 नंबर। 447 कौन है? आप पहले से खड़े होना चाहिए। एक तो जो भी जिज्ञासा करना चाहते हैं उन पर्ची में सिर्फ अपना नंबर से नहीं लिखें, नाम भी जरूर दें। हे गुरुदेव, बारंबार नमोस्तु। मैं संतोष कुमार बुखारिया आपसे जिज्ञासा करता हूं कि भगवान आदिनाथ स्वामी से भगवान महावीर स्वामी तक हमारे 24 तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमेष्टि है या सिद्ध परमेष्टि? यदि यदि ये हमारे भगवान अरिहंत परमेष्टि हैं तो सिद्ध परमेष्टि कब से होंगे? जो हमारी पूजा होती है जरूरी नहीं कि हम वर्तमान पर्याय को पूछते हैं, हमारी जिस पर्याय से सिद्धि होती है हम उस पर्याय को पूछते हैं। मंदिरों में जो स्थापना होती है वो अरिहंत परमेष्टि की होती है, और अभी वो पाँचों पर 24 तीर्थंकर कहाँ हैं? वो सिद्ध परमेष्टि दशा में है। लेकिन हमारी जो आपकी सिद्धियां हैं, आपको जो उपलब्धि चाहिए, आपको जो संकट मोचक की बात चाहिए, आपको जो श्री वृद्धि चाहिए, उसमें आपको अरहंत भगवान की ही स्थापना करना पड़ती है। इसलिए मंदिरों में अरहंत भगवान हैं, बाकी वो सिद्ध परमेष्टि के रूप में हैं। हेलो, आचार्य श्री के चरणों त्रय भाई, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं पलेरा जिला टीकमगढ़ से राजेंद्र कुमार से। अपना परिचय ना दें, जिज्ञासा करें। मेरा आचार्य श्री से करबद्ध निवेदन है, ये पलेरा में जैन मंदिर के जस्ट बगल में मेरा आवास है और मंदिर की सारी व्यवस्थाएं लगभग मैं पूरी करता हूँ, जो भी बाहरी व्यवस्थाएँ या पूजा संबंधी होती हैं। इसके अलावा और क्योंकि बगल में रहने के कारण और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए? सावधानी रखना चाहिए, मंदिर बहुत अच्छी तरह से, मंदिर की दीवार से दीवार लगी हुई ना हो, बाकी सब पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। चले आगे बढ़ो, अगली जिज्ञासा करेंगे 72 नंबर और 267 नंबर, आचार्य ज्ञान सागर जी गुरु। परम पूज्य गुरुवर, मेरा एवं परिवार का एवं सकल जैन समाज पेपरी की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, पेपरी महाराज 105 सोमवती माता जी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरे शंका जिज्ञासा है कि जैन समाज बुद्धिजीवी शिक्षित एवं संपन्न होती है, वह कर्मों का फल को जानती है, फिर भी आपस में द्वेष एवं आपस में असूय की भावना क्यों होती है? हुंडाकार का दोष है क्या है? ये तो अनादिकाल से घर घर में होते आए, जहाँ चार बर्तन होंगे बचेंगे, फिर भी आज भी सबसे कम विद्वेष और क्रोध जैन समाज में देखने में आता है, सबसे कम हिंसा व्यसन आते हैं। रही बात पूर्णता त्याग की, तो ऐसी बात नहीं है, आज भाई भाई में भी जितना प्रेम जैन समाज में देखने में आ रहा है सगर जगह आता है।
कुचित कर जाते थे, क्योंकि सफेद कपड़े पर दाग जल्दी दिखता है, इसलिए जैन समाज एक भरी समाज होने से थोड़ा भी कुछ गलत करती है तो वो सारी दुनिया की दृष्टि में आ जाता है, क्योंकि जैन समाज एक अपना ऐसा सफ़ेद कपड़ा पहने हुए है जिस पर छोटा सा भी छांटा दूर से दिख जाता है। जिज्ञासा करेंगे 649 नंबर और इसके बाद तैयार रहें 385 नंबर। नमोस्तु महाराज जी, जो अपन नमोस्तु महाराज जी, अपन नहा धो के मंदिर जाते जूता चप्पल पहनकर, अच्छी बात या गलत बात उसका मार्गदर्शन पूजा करने के लिए? आपने अपन शब्द लगा दिया, इसका अर्थ मैं भी शामिल हो गया। अपन शब्द आपको हम शब्द लगाने थे, हम लोग, अपन शब्द में तो जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी शामिल हो जाता है, इसलिए ये जाना ठीक नहीं है। धोती दुपट्टा पहन करके, कम से कम धोती दुपट्टा पहन करके जूते चप्पल पहनना उचित नहीं है, एक मर्यादा होती है, किसी चीज़ का शुद्धिकरण किया जाता है, चाहे वो जूते चप्पल लकड़ी के क्यों ना हो, चाहे वो जूते चप्पल सोने के भी क्यों ना हो। जूता चप्पल, किसी ने कहा कि महाराज जी यदि कपड़े के जूते चप्पल चल जाएं तो मैंने कहा ये समझाने से नहीं समझेंगे, मैंने कभी कोई तुम्हें मारे तो चमड़े के ना मार के कपड़े के मारे तो कोई कहा महाराज ये जूता मार रहा है, अरे मैंने कपड़े के तो मार रहा है, जूता चाहे सोने का हो चाहे चांदी का हो जूता तो जूता है। पवित्र स्थानों पर जूतों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कभी भी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक बार आपको मालूम है यहीं राजेश दलितपुर के अंदर एक बहुत अच्छे ऑफिसर थे सिद्धू भाई, SP थे वो, और देवगढ़ के अंदर पंचकणक था, मैंने जब एक सन्नर उपदेश दिया कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल पहन के नहीं आएगा और अपना चमड़े का कोई वस्तु नहीं लेगा, उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उसी दिन मुख्यमंत्री को आना था देवगढ़ के अंदर, और सिद्धू भाई ने सारे पुलिस कर्मचारी को कोई कह दिया कोई भी व्यक्ति आज जूते नहीं पहनेगा और ना बेल्ट पहने, एक बार सुनिए तालियां नहीं, कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल नहीं पहनेगा। अब वहाँ कलेक्टर थे इस समय शायद 75 सिंह कलेक्टर थे, हाँ उन्होंने कहा कि आप क्या आदेश दे रहे हैं, आज मुख्यमंत्री आ रहा है, IG DIG सब आएंगे, उन्होंने कहा ट्रैक टू ऑर्डर। मेरे पास कलेक्टर साहब आए, बोले महाराज जी आप इनको समझाइए ऐसा कर रहे हैं, इनकी नौकरी पर आ पड़ेगी, आज बिना उसके ड्रेस में कैसे रहेंगे, आज तो मुख्यमंत्री आ रहे। तो मैंने भी वचन पीछे लिया, मैंने कही सिद्धू भाई मैंने तो अपने भक्तों को कहा था, आप पुलिस वालों को नहीं कहा था, आप अपनी ड्रेस में रहिए। क्या जवाब दिया सिद्धू ने, बोले महाराज आप मेरी नौकरी के लोग में आकर के अपना वचन वापस मत लीजिए, जब आपने प्रोचन दिया था तब आपने ये भेद नहीं किया था, आज आपको सुने आपको ये लगने लगा कि मेरी नौकरी ना चली जाए इसलिए आप इतने लूज हो रहे हैं, आप लूज मत होइए, राजा से बड़ा महाराजा होता है, मैं महाराजा का आदेश, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। जब कल्याण सिंह आए मैं ही उपस्थित था देवगढ़ के अंदर पंचगण, कल्याण सिंह ने सारे पुलिस वालों को SP को ड्रेस में देख कर कहा व्हाट यू, तो जब उनके सामने तब कल्याण सिंह ने भरी मंच के ऊपर सिद्धू को गले लगाया था कि हमारे देश में आज राजनीति और धर्म नीति को जानने वाले भी पुलिस ऑफिसर है। 300 पुलिस वाले थे उस समय और एक लाइन में किसी ने पूरे सुबह से शाम तक एक ने भी जूते चप्पल का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा मर्यादा है, जब धार्मिक स्थल है तो है, हम भी उन्होंने एक ही कहा हम भली पुलिस की ड्रेस में हैं लेकिन हम मानव हैं, हम भी किसी भगवान को मानते हैं, हमारे अंदर भी श्रद्धा है, हमारे अंदर भी आस्था है, पुलिस की ड्रेस पहनने से हम धर्म से दूर नहीं हो गए, धर्म हमारी आत्मा है और धर्म का स्थान है तो हम भी उस धर्म के स्थान का सम्मान करेंगे। तो ये स्थितियाँ होती हैं महानुभाव, इसलिए इन सब चीज़ों का प्रयोग धार्मिक स्थलों पर आस्था और श्रद्धा का केंद्र होने से अपनी इस प्रकार की परिणति नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा करें 649 नंबर, इसके बाद तैयार रहेंगे 385 और 235। महाराज जी नहीं मैंने कुछ कहा कि अभी कुछ
महाराज जी, मैं सिलिकॉन सिटी इंदौर से, मेरे परिवार व सिलिकॉन सिटी समाज इंदौर की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा दान के संबंध में है। यदि कोई समिति दान अपेक्षा करती है कि हम आपके पूरे परिवार का नाम शिलालेख पर लिखेंगे, उस परिप्रेक्ष्य से कोई परिवार दान की राशि समिति को अर्जित करती है और इसके बाद समिति उसका नाम लिखने से मना करती है, तो ऐसी स्थिति में महाराज जी, अब ऐसी स्थिति में जब तक दोनों पक्षों की नहीं सुनी जाएगी हम कोई निर्णय नहीं देंगे। आपकी वाणी में कुछ कसाय भाव दिख रहा है। नहीं नहीं, नहीं महाराज जी, आपके साथ कोई घटना घटी है, कृपया करके आप अपने प्रतिद्वंदी को भी लाइए। कोई महाराज जी कसाय भाव नहीं है। ओम शांति। आपके जो घटना घटी है उस कमेटी के व्यक्ति को लाइए, तब पता चलेगा कि असलियत क्या है। जिज्ञासा करें 385 नंबर, इसके बाद तैयार रहेंगे 235 और 305। अनिल जी लखनऊ। हे महाराज श्री ईश्वर समस्त परिवार की ओर से नमस्तु नमस्तु। क्या महाराज श्री तपस्या से मुक्ति प्राप्ति हो सकती है? तपस्या से ही होती है, भी नहीं। बिना तपस्या के तप कर जो कर्म खिपावे सो ही शिव सुख दर्शावे। तप करके जो कर्मों को क्षय करता है तभी शिव सुख की उपलब्धि होती है, सिद्धांत है। 235 नंबर जिज्ञासा करेंगे आचार्य ज्ञान सागर जी ग्रुप, इसके बाद तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में आरोन जैन समाज का, आरोन नगर में विराजमान आदर्शमती माता जी सत्संग का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बीजाक्षर में कौन कौन से मंत्र होते हैं? कौन कौन से मंत्र में बीजाक्षर होते हैं? महाराज ऐसा कोई नियम नहीं था, कौन को मंत्र का कोई नाम नहीं होता, और मंत्र हर मंत्र में बीजाक्षर बनाए जा सकते हैं। नमोकार मंत्र के भी बीजाक्षर बन सकते हैं। 35, 16, 56 चिल्दुग मेघम जभय छाए 35 अक्षर हैं, इनको यदि हम बीजाक्षर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। क्योंकि बीजाक्षर जो होते हैं वो पूरे के पूरे जितने भी अक्षर हैं 49 या 52 अक्षर जो होते हैं वो सब बीजाक्षर बन जाते हैं, और बीजाक्षरों से ही तो शब्द बनता है, और शब्दों से रहित कोई मंत्र होता नहीं। इसलिए बीजाक्षर का कोई निश्चित नियत मंत्र नहीं होता, और हर मंत्र में बीजाक्षर निकाले जा सकते हैं, वो निकालने वाले की योग्यता के ऊपर आधारित है। जिज्ञासा करेंगे 235 नंबर, इसके बाद तैयार रहें। 305 अनिल जी लखनऊ। 305 पूज्य श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, यो कल्पातीत और कल्पवासी देव हैं, वही स्वर्ग में स्वर्गीय देव हैं, या जो भवनेत्र के मध्यलोक और अधोलोक में रहने वाले देव हैं वो भी स्वर्गीय देव हैं? स्वर्ग तो सभी माने जाते हैं, लेकिन जो स्वर्गों की कल्पना जो शास्त्रों में है वो ऊपर जो वैमानिक देव हैं उन्हीं को स्वर्ग की संज्ञा है। देव और स्वर्ग में अंतर है, वैमानिक देवों को ही स्वर्ग बोलते हैं। भवनत्र के रहने वाले स्थान को स्वर्ग संज्ञा नहीं है, क्योंकि वो वैमानिक व्यंतर और ज्योतिष ये मध्य लोक की सीमा के अंतर्गत आते हैं। नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे 48 नंबर आचार्य ज्ञान सागर जी ग्रुप, सुमत चंद जैन अहमदाबाद, इसके बाद तैयार रहे 250 बिमल चंद जी डुंगासरा। माइक वहां पहुंचा दें, आप जल्दी से जिज्ञासा करें, उसके बाद वो कर लेंगे। विमल जी आप जिज्ञासा करें। समस्त शरणार्थियों की ओर से महाराज जी को जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, जिस दिन आपकी आगवानी हो रही थी उस दिन हमारे लिए करंट लग गया था, और हमारा जितना भी ब्लड था पूरा निकल गया था शरीर से, और ललितपुर में डॉक्टरों ने नहीं कर दी थी, झांसी गए, झांसी में दूसरे दिन आपके पास 12 बजे वापस आ गए। सुने सभी प्रश्नकर्ताओं से है, आप अपनी स्टोरी ना सुनाएं, देखो ये लाइव चल रहा है और सारा विश्व आपको सुन रहा है, सारे विश्व के अंदर इस समय टीवी चालू है और सब लोग उस पर बैठे हुए अपना देख रहे हैं। आपकी स्टोरी सुनने के लिए वो नहीं बैठे, 122 देश एकदम सामने बैठ करके देख रहे हैं। प्रश्न भजनदार करो, अपनी कहानी ना सुनाएं, जिज्ञासा सुनाएं, क्योंकि ये कोई ललितपुर तक ही सीमित नहीं है,
इतने लोग जितने बैठे इतने नहीं सुन रहे, लाखों लाखों लोग इस समय आपकी जिज्ञासा को देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, और वो बैठ करके अपना समय कुछ अच्छी बात सुनना चाहते हैं। इसलिए आप अपनी स्टोरी न सुनाएं, मात्र प्रश्न करें, ऐसा प्रश्न करें कि सारे विश्व के जो लाखों लोग सुन रहे हैं उनके मन में भाव आ जाए कि जबलपुर के शिवरात्रियों से हमें कुछ नया ज्ञान मिला है। महाराज जी के चरणारविंद में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज दोपहर में तीसरी ढाल के संदर्भ में आपने कहा था कि निज आत्मा में रुचि होना चाहिए। यहाँ मेरी जिज्ञासा है कि आत्मा का जो स्वभाव है उसका सत्कार करना क्या आत्मा में रुचि कहलाएगा? आत्मा क्या करना? सत्कार का अर्थ क्या? साक्षी भाव। यानी आत्मा का सबसे बड़ा ध्यान करने का अर्थ साक्षी भाव। आप न किसी को मिटाओ, न बनाओ, न छोड़ो, न त्याग करो, मात्र साक्षी भाव बनो, ज्ञायक स्वभावी बनो। मात्र हम किसी को बनाने मिटाने वाले नहीं हैं, मात्र हम साक्षी भाव ज्ञाता दृष्टा हैं। और उस ज्ञाता दृष्टा में भी हमेशा उस शक्ति को देखो जो शक्ति उसके अंतरंग में छुपी हुई है। एक बाहर की शक्ति दिखती है और एक अंतरंग में छुपी हुई शक्ति होती है। उस चित चमत्कार रूप चित शक्ति को जो देखता है वो अपनी आत्मा को देखता है। तैयार जिज्ञासा करेंगे श्रीमान 31 नंबर ब्रजेश जी बैरसिया भोपाल, तैयार रहेंगे 649 नंबर प्रमोद जैन इंदौर, 423 नंबर श्री रवि मेहंदेरिया बरा, 3 लोग जहां भी हैं जल्दी से खड़े हो जाएं जिज्ञासा करेंगे। 48 नंबर नयार्थ जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरु, चरणों में मेरी और सब शिवरार्थियों की ओर से आपके चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न यह है कि निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग में मूल अंतर क्या है? निश्चय मूल मार्ग में आत्म की प्रधानता होती है, वह अपने उपादान की तरफ देखता है, निमित्त से उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। वो जब भी देखेगा कि मेरा उपादान क्या है, मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है, सामने वाले ने क्या किया, मांगने वाले ने क्या किया। मान लीजिए सामने वाले ने गाली दी तो वो गाली कहेगा गाली उसने दी नहीं, मेरे कानों ने गाली क्यों सुनी। निश्चय प्रधानी अपने कानों को ध्यान देगा, कान से कहेगा वो है, तुम क्यों सुन रहे हो, तुम तो मेरे हो ना। और व्यवहार प्रधानी जो कहेगा कि नहीं वो निमित्त तो है। व्यवहार प्रधान में निमित्त नैमित्तिक संयोग बनता है और निश्चय प्रधान में सारे निमित्त गौण होकर के मात उपादान की प्रधानता होती है। जैसे मैंने कहा था व्यवहारी जो होगा वो भगवान के दर्शन करेगा, लेकिन निश्चय वाला जो होगा भगवान के दर्शन करते करते अपने आत्मा का दर्शन करेगा। ये दोनों में अंतर है। नमोस्तु महाराज जी। महर्षि मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आजकल जो मॉडर्नाइजेशन चल रही है तो उस हिसाब से जो जैन लोग हैं वो वेज नॉनवेज होटल में खाना खाते हैं और जो उनके साथ वाले नहीं खाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे तुम पुराने ख्यालवाद के हो, अरे कुछ नहीं होता, वेज नॉनवेज में किचन अलग अलग है। तो उनके लिए महाराज जी क्या करें और उनको कौन से दोष लगेगा? उनके लिए तो समझाना बहुत मुश्किल है, स्वयं भी समझ जाओ कि यदि दुर्जन व्यक्ति सज्जन पर उंगली नहीं उठाएगा तो क्या सज्जन उठाएगा? दुर्जन के लिए तो उंगली उठाना ही पड़ेगा। वो चाहता है कि मैं भ्रष्ट हूँ तो सामने वाला भी भ्रष्ट हो, तो उसकी जो नीति है उस नीति को सफल मत होने दो। कहना भाई तू यदि करता है तो करता है, मेरी दृष्टि यही है कि मेरी दृष्टि से ये गलत है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं से तो संस्कार आ ही जाता है। तो अपने विश्वास को दृढ़ रखो, समझाने की अपेक्षा समझने का प्रयास करोगे तो शायद अपने व्रत में दृढ़ता आ जाएगी। जिज्ञासा करेंगे 423 नंबर आचार्य ज्ञान सागर जी ग्रुप, इसके बाद तैयार रहें 55 नंबर अंशुल जैन आचार्य श्री विद्यासागर ग्रुप और 116 नंबर अमन जैन गाडरवारा।
महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, सामायिक में किस प्रकार से ध्यान लगाना चाहिए? कोई कहता है कि अपने गुण अवगुण ध्यान रखना चाहिए या भगवानों के अवगुण, किस प्रकार से महाराज जी ध्यान लगाएं जिससे सामायिक? सामायिक का सबसे बड़ी है अस्वादु बुद्धिवृत्ति शुभे प्रवृत्ति। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति का नाम सामायिक है। अब वो शुभ की प्रवृत्ति भगवान के गुणों का चिंतन आत्मक हो सकती है, बारह भावना का चिंतन हो सकता है, हे के प्रति हमारी हे बुद्धि हो सकती है। हम हे का चिंतन हे बुद्धि से करें तो सामायिक में कर सकते हैं। हम उपाधेय का दृष्टि उपकारी दृष्टि करें तो सामायिक का चिंतन हो सकता है। तो सामायिक का कोई एक रूप नहीं रहता। जब किसी में मन नहीं लगता तो अंत में जाप को ही सामायिक का रूप दिया जाता है। ऐसा जिज्ञासा करेंगे अमन जैन गाड़रवाड़ा, इसके बाद तैयार है आदित्य जैन जबलपुर। महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मेरी जिज्ञासा यह है कि महाराज श्री सच्चे देव का स्वरूप क्या है? सच्चे देव शायद गुरु का जो स्वरूप है वह शास्त्रों में नियत है। जो स्वयं 18 दोषों से रहित है, स्वयं अपने आप में अनंत चतुष्टय से युक्त है, वह देव का स्वरूप है। जो अपने आप में मूल गुणों में नृत्यचार पालन कर रहा है, जो अपने स्वभाव में स्थित है, वह गुरु का स्वरूप है। और अहिंसा जो धर्म है उसका कथन जिस शास्त्र में लिख मिलता है वह जिनवाणी का स्वरूप है। सामान्य स्वरूप तो यही माना जाता है। सकल दिगंबर जैन समाज गाड़रवाड़ा की ओर से मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते। आदित्य गाड़रवाड़ा, इसके अमन जैन गाड़रवाड़ा, इसके बाद तैयार है आदित्य जबलपुर। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं प्रतिदिन मंदिर में अभिषेक करता हूँ और ये मेरा अनुभव है कि लोग वहाँ आते हैं, प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन भगवान की प्रतिमा का स्पर्श करते हैं, लेकिन प्रतिदिन वे सत्य व्यसन में भी लगे रहते हैं, शराब का और सिगरेट इत्यादि का सेवन करते हैं, तो क्या उनके द्वारा प्रतिमा को स्पर्श कराना सही है कि उनके द्वारा जो स्पर्श हो रहा है उससे प्रतिमा खंडित हो रही है? नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं। तो मुनि श्री, ऐसे लोगों को क्या डायरेक्ट मना कर देना चाहिए कि वो ऐसी चीजों से अलग हो जाए? आपकी कुवत के ऊपर है, आपकी कुवत कितनी है, क्योंकि सामने वाले को समझाने की अपेक्षा यदि उनको हम समझाने जाएं, सीख जा को दीजिए ताको सीख सुहाए, सीख जो दीनी वान रही घर चिड़िया को जाए। यदि आपकी कुवत है कि आप उनको रोक सकते हो रोकें, और नहीं कुवत है तो मौन धारण करें, वो अपने आप खुद कर्म का दंड पाएगा, वो सुधर जाएगा। दो व्यक्ति हैं, एक समझाने से सुधर जाता है और एक ठोकर खाने के बाद सुधरता है। जिज्ञासा करें आदित्य जबलपुर, इसके बाद तैयार रहें जितेंद्र जैन रेपुरा। महाराज श्री नमोस्तु। जैसा आज आपने प्रवचन में उदाहरण देते हुए बताया कि रामचंद्र जी ने जैसी संयम और क्षमा धर्म जैसा उन्होंने अपनाया वनवास के समय, उन्होंने जब रावण के केस में ऐसी चीजें क्यों नहीं करी और इतने बड़े युद्ध की आवश्यकता क्यों पड़ी? वहाँ सवाल रावण के संबंध में नहीं था, एक नारी की रक्षा का सवाल था, एक नारी के धर्म की रक्षा का सवाल था। उन्होंने तो कहा था कि यदि वह विदेही को सकुशल लौटा दे तो हमारा कोई उससे बैर नहीं है। उन्होंने रावण से युद्ध नहीं लिया, उन्होंने अन्याय का नाश किया और सत्यवान की रक्षा की। आपका कहना था कि जैसे सज्जन पुरुष के केवल मौन से ही दुर्जन व्यक्ति का नाश चालू हो जाता, वहाँ पे नहीं, वहाँ वो राजा थे और राजा होने के नाते यदि वो दंड व्यवस्था नहीं करते तो उनकी क्षत्रियता कलंकित होती। मजिस्ट्रेट यदि ये कहे कि मैं फांसी नहीं लिखूंगा तो वो कानून का अपमान है, ठीक है, कितना भी बड़ा हो। वो कहे कि मैं किसी के प्राण नहीं लूंगा और मजिस्ट्रेट पद पर है तो वो मजिस्ट्रेट भी अपराधी की कोटि में आएगा। यदि वो मजिस्ट्रेट है तो उसे अपराधी को दंड देना ही पड़ेगा। यदि उस समय इस प्रकार की परिणति न करके वो माफ कर देते तो क्षत्रिय धर्म उनको भी अपराधी घोषित करता। इसलिए वो जब व्यक्ति के ऊपर संकट पड़े, वहाँ तो दूसरे की रक्षा का सवाल था, जब व्यक्ति के ऊपर जब संकट आया है उस समय पारसनाथ ने क्षमता धारण की। आप तो यही मानिए कि वहाँ रामचंद्र जी ने युद्ध नहीं लड़े, उन्होंने तो एक नारी की रक्षा की है, धर्म की रक्षा की है, अन्याय का नाश किया है।
जब मंदोदरी ने ये आरोप लगाया था कि आपने, मैंने सुना था कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आपने एक भाई को गले लगा लिया और एक का आपने गला उतार दिया, ऐसा पक्षपात क्यों किया? तब श्री राम ने कहा कि नहीं, मैंने किसी को ना गले लगाया है ना गले उतारा है, धर्म को गले लगाया है और अधर्मी का गला उतारा है। मैंने अधर्म का नाश किया है, अब अधर्म की आड़ में कोई खड़ा था तो उसका भी नाश हो गया, उसमें कोई गलती नहीं है। जिज्ञासा करेंगे श्री जितेंद्र जी रायपुरा, इसके बाद तैयार रहे प्रिंस जैन, करिए। महाराज जी के चरणों में बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे कुटुम्बजन हम लोगों से दूर रहते हैं और वहाँ सूतक पातक लगता है, तो अगर वहाँ से फोन नहीं आए आए तो मेरी माता जी बहुत दुखी हो जाती हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? उनको समझाइए, शांति से रहे, जब समाचार नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आ जाए तब से मान लेना चाहिए। नहीं महाराज जी, अगर वो लोग ना बताएं तो पाप उनको लगेगा कि नहीं लगेगा? माता जी बोलते हैं कि हमको फोन ना किया करो तुम लोग सूतक पातक में। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, उनका कहना ठीक नहीं है, सूचना तो देना ही पड़ेगी, देना ही चाहिए। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। जिज्ञासा करेंगे प्रिंस जैन, इसके बाद तैयार रहें श्री मुकेश जैन मड़ावरा। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा आपके प्रवचन के संबंध में है। आपने सुबह प्रवचन में का उत्तम क्षमा का स्वरूप बतलाते हुए कहा था कि मुनिराज उत्तम क्षमा धारण करते हैं, साथ में आपने ये भी बतलाया था कि साधु लोग मौन धारण करके दुष्ट को भस्म कर देते हैं, दुर्जनों को समाप्त कर देते हैं, तो क्या एक साधु के मन में लगता है कि तुम सुनते सुनते सो भी रहे थे? मैंने ये कहा था कि साधु का मौन ही उसे भस्म कर देता है, साधु मौन से भस्म नहीं करते, वो एक समझाने की भाषा थी। साधु ने यदि किसी दुष्ट व्यक्ति को देखकर मौन धारण कर लिया है तो समझ जाना वो मौन ही उसको भस्म कर देगा। साधु ने यदि दुष्ट को देख करके ध्यान में बैठ गए, अपने आत्मा में चलेगा, उनका तो उद्धार है। साधु जब मौन लेगा तो साधु का उद्धार है, लेकिन साधु का जो मौन है वह इतना अत्याचार उसने कर लिया कि साधु को मौन होना पड़ा, समझ लेना कि अब उसके मिटने के दिन आ गए। इसलिए साधु के जब उपसर्ग, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि राजा सैनिक ने महाराज के गले में सर्प डाला, वो ध्यान में बैठ गए, उसी समय उसको नरक आयु का बंद हो गया। महाराज ने नरक आयु का बंद नहीं कराया, उसके अत्याचार ने कराया और अत्याचार इतना हुआ कि साधु को ध्यान में बैठना पड़ा। ये आज का सुबह का प्रवचन बहुत बहुत कहना चाहिए मनोवैज्ञानिक था, उस पर बहुत बड़ी शक्ति थी। क्यों सज्जन पुरुषों के साथ दुर्व्यवहार करने पर नाश होता है? सज्जन पुरुष तो करते नहीं है, सज्जन पुरुष तो किसी का नाश करते नहीं है, और सज्जन पुरुष के साथ दुर्व्यवहार करने पर नाश क्यों होता है? क्योंकि वो सज्जन है और सज्जनता के कारण से उसका नाश होता है। एक व्यक्ति दुर्जन को गाली दे देता है और एक व्यक्ति सज्जन को गाली देता है, तो जो दुर्जन को गाली दी है उसमें उतना पाप नहीं लगेगा, और दुर्जन ने गाली सुनी भी नहीं, उसने दो गाली और सुना दी। सज्जन ने गाली दी है और सज्जन ने कुछ भी नहीं कहा, तो गाली देने वाले को अनंत गुना पाप लगेगा, क्योंकि वो गाली तो उसको दी है जिसने लौट करके गाली नहीं दी है। ये बहुत बड़ा साइंस है ऐसा। नमस्ते गुरुदेव, मेरा ऐसा करेंगे प्रिंस जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे मुकेश जैन मड़ावरा। नमस्ते गुरुदेव, मेरा नियम है कि मैं ललितपुर में रहते हुए भक्तांबर पाठ और देवादेव श्री अभिनंदन भगवान के दर्शन करने का, तो अभी क्या मैं भोजन के उपरांत आकर पाठ और भक्तांबर कर सकता हूँ? नहीं, आप यहीं बैठ के भक्तांबर करिए। मुकेश जैन मड़ावरा, इसके बाद तैयार रहे श्री सुनील जैन सिंहपुर। महाराज श्री के चरणों में सादर नमस्ते। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, समीचीन शब्द का क्या अर्थ है? समीचीन शब्द का क्या अर्थ है? समीचीन का अर्थ होता है बराबर, जो योग है, विवेक है, योग्य व्यक्ति वस्तु को समीचीन का अर्थ होता है बराबर, जो सही है उसको कहना, ना तो इस पक्ष का है ना इस पक्ष का है, समालोचना, समीचीन कथन करना। समीचीन का अर्थ किसी पक्ष को लेके कथन नहीं करना, सभी पक्षों को लेके जो कथन किया जाता है वो समीचीन करना।
जिज्ञासा करेंगे। मुकेश जैन मड़ावरा, इसके बाद तैयार हैं सुनील जैन सिंहपुर सतना। गुरुवर, गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। गुरुवर, जब कोई मेरा हमसे दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, परंतु यदि पास रहते हुए दूर हो जाता है तो और उससे भी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो अपने की इस दूरी को नज़दीकियों में कैसे बदलें? दूसरा व्यक्ति जब दूर चला जाता है तो दुख होता है, और स्वयं बहुत दूर चला जाता है तब और ज़्यादा तकलीफ होती है। काहे को तकलीफ होती? कुछ नहीं होती, मरने वाले को तकलीफ होती नहीं। कल तक तो कहता था बिस्तर से उठा नहीं जाता, आज तू जहाँ से उठ गया ये ताकत कहाँ से आ गई? जिज्ञासा करें और तैयार रहेंगे अरिहंत जैन उदयपुरा राय से। महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज श्री, इसमें समस्त संसारी जीवों की 84 लाख योनियां हैं, लेकिन एवं सर्व संसारी जीवों की सर्व कुल 199 लाख करोड़, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये क्या लगता है, किसी भी जीव की उत्पत्ति होती है तो दो वेराइटी के परमाणु चाहिए, एक स्त्री जाति के जिसे योनि कहते हैं, एक पुरुष जाति। तो इनसे दो, जिसे विज्ञान नर और मादा कहता है, एक गेहूं के अंदर भी दो प्रकार की जातियां होती हैं, उसी में स्त्री जाति के जो परमाणु होते हैं वो जाति कहलाती है, और पुरुष जाति की जो परमाणु होते हैं वो कुल कोटि कहलाते हैं। और दोनों परमाणु जहां मिल जाते हैं वहां पर वनस्पति आदि में अंकुर निकल आते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं, जैसे जितनी भी वनस्पतियाँ होती हैं इनमें दोनों प्रकार की जातियाँ उसमें होती हैं। जीव को उत्पन्न होने के स्थान है ये, दोनों परमाणु जहाँ मिल जाते हैं वहाँ जीव की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसा। नमोस्तु भगवान, मेरा नाम अरिहंत जैन है। आज की अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अरिहंत जैन उदयपुरा रायसेन। रमोकार मंत्र पढ़ते समय एक एकात्रित मन कैसे करें जाप देते समय? उनके स्वरूप का चिंतन करें, और स्वरूप के चिंतन करने से क्या लाभ है इसका विचार करें, नहीं चिंतन करने से क्या हानि है इस पर विचार करें। हानि और लाभ जब मन में बैठ जाएगा तो मन लग जाएगा। महाराज जी, क्या हानि होगी ये कृपा, हानि क्या होगी मन में कसरत नहीं हो? तो भी सोचो क्या हानि। कौन सौभाग्यशाली है आज इस महापर्वराज दस लक्षण पर्व के प्रथम दिवसे आरती करने का सौभाग्य गुरुवर की हासिल करेगा, जल्दी से सीखता करेंगे। आइए, ये आरती के थाल जो आज यहाँ पर आए हैं, जिनसे आपको आरती करनी है, ये आरती के थाल हम सम्माननीय जैन समाज के साधर्मी जनों महिलाओं पुरुषों द्वारा सजा करके और लाए हैं, जिनसे आज आपको आरती कर 29वें श्रावक संस्कार और 29 आरतियों से गुरुदेव की पावन आरती होगी। 29,929 एक बार जोरदार तालियां बजा दो, अनुमोदना तो कर लो। 41,431 आज का ये महापर्वराज दस लक्षण पर्व का प्रथम दिवस 29वां श्रावक संस्कार शिविर, पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती करने का सौभाग्य और ऐसे सुंदर थाल से आरती करने का सौभाग्य। 51, 129, 151, 129, 1, 2, 51, 129, 1, 2, अंतिम 10 सेकंड जिनके भी भाव हो, 1, 2, 2.5 बोली जा रही मेरे भाई। ₹51,129, 1, 2, 2.5, 3, 99 और ये 3। ये सौभाग्य हमारे पंचायत समिति के मंत्री सतीश जी नजा, श्रीमान सतेन नजा, जितेन आशीष, सुमित कुमार, पलक श्रुति, सज्जल नबका, कुशाग, समस्त
हमारे नजा परिवार को यह सौभाग्य हासिल हुआ है। वॉलंटियर लोग पीछे पहुंच जाएं, जहां पुरुष और शिवराजी लोग बीच में हैं, वहां बीच में वॉलंटियर पहुंचे। और आप लोग पूज्य गंभीर सा जनता से दूर रहेंगे, बीच में गैप करें, वॉलंटियर वहां भेजें। पूज्य गंभीर सागर जी महाराज के भी छेदपाल मंदिर जी प्रांगण में अभी मंगल देशना होगी। हाँ, और दूसरी आरती कौन बनेगा दूसरा सौभाग्यशाली? हमारे जो दूसरी आरती करने का सौभाग्य कौन हासिल करेगा? विजय कहाँ गया? आज इस 29वां श्रावण संस्कार शिविर के जो शिविर पुण्यार्जक हैं, ऐसे परिवार को भी हम सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं, पूरा परिवार आए और आज पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती करने का आज प्रथम दिवस, यहाँ महापर्वराज पर्युषण के प्रथम दिवस पर आज आरती करने का सौभाग्य हासिल करें। और इस 29वें स्टेज वाले शिवरात्रि बैठ जाए आगे आ जाएं सभी हमारे सम्मानी अजित जी, गदियाना बिक्की निक्की, समस्त गदियाना परिवार जिन्होंने जो भी और उनके रिश्तेदार इष्ट मित्र नातेदार हों आ जाएं। सभी लोग आज इस शिविर के पुण्यार्जक, जो सभी शिविरार्थी बैठ जाएंगे, पहले बैठ जाएं, इसके बाद फिर आरती आप लोगों को मौका मिलेगा। दोनों पुण्यार्जक परिवार आ जाएं। सतीश नजा परिवार पूरे जो भी यहाँ पर पुरुष वर्ग हों वो आ जाएं। शुरू करें भाई। भैया जिमी जिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में, जिमी जिमी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में, 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 जिमी 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 उड़े रे गुलाल। Thank you.
साधु तिहारी, उमति विनाशन शिव अधिकारी, उमति विनाशन शिव अधिकारी, छठी आरती इन पांचों की, छठी ग्यारह पित मातारी, छठी आरती इन पांचों की, अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की, जिमी 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 उड़ रे गुलाल, चलो रे मंदरिया में, जिमी जिमी उड़ रे गुलाल, चलो रे मंदरिया में। श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। महाराज जी की आरती।
श्री अभिनंदन नाथाय नमः। श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया। प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा। पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन। वरिष्ठ पार्षद सीनियर मैनेजर श्री सनत कुमार जैन मलैया।